आज हम देखेंगे एक कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर का डस्ट बैग कैसे चेंज करते हैं। ये है डस्ट कंटेनर रिलीज बटन। इसे प्रेस करने से ये जो डस्ट कंटेनर का चेंबर है वो खुल जाएगा। और ये जो आप देख सकते हैं ये है वो डस्ट बैग जिसे हम चेंज करेंगे। ये जो डस्ट बैग है ये एक फ्रेम में सपोर्टेड है। ऐसे आपको प्रेशर देके इसे आपको खोलना है। ये जो पुराना डस्ट बैग है इसे हम चेंज करेंगे। ये हॉलो स्पेस जो आप देख सकते हैं इसमें वो फ्रेम सपोर्टेड रहता है। और ये है मोटर फिल्टर, इसमें भी डस्ट लगा रहता है, तो इसे खोल के आपको वॉश करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे डस्ट लगा हुआ है। धोने और सुखाने के बाद ये मोटर फिल्टर वही रीअसेंबल करेंगे। इसको लगाने के बाद आपको एक नया डस्ट बैग लगाना पड़ेगा। तो ये पुराना डस्ट बैग जो है ये हम फ्रेम से निकालेंगे और ये धोने के लिए रख देंगे। और आपके पास जो एक्स्ट्रा नया डस्ट बैग है वो हम फ्रेम में लगाएंगे। यहाँ पे जो डाउन मार्क है वो हम ऊपर रखेंगे और ऑपोजिट एंड हम फ्रेम में घुसाकर लॉक कर देंगे। ये देखिए ये लॉक हो गया। अब जो वो फ्रेम का स्टैंड है वो हम ये हॉलो स्पेस में इंसर्ट करेंगे। ऐसे धीरे से इंसर्ट करके थोड़ा प्रेशर देने से ये लॉक हो जाएगा। डस्ट बैग को एडजस्ट करने के बाद आपका पूरा सेटिंग कंप्लीट हो गया। अब ये फिर से यूज़ करने के लिए तैयार है और हम वो जो असेंबली है वो रीअटैच कर देंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।